नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर जितनी जानकारी आपको है उतनी ही लगभग मुझे भी है, और हो सकता है कि ये जानकारी आपके पास मुझसे ज़्यादा हो। लेकिन इस वायरस के कारण न केवल आप हम बल्कि पूरी दुनिया घरों में कैद रहने को मजबूर है, और इकोनॉमी का पहिया थम सा गया है। यानी कि जो रफ्तार ज़िंदगी की है वही इकोनॉमी की है, और इकोनॉमी का असर सीधा सीधा आप पर हम पर पड़ रहा है। चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कामकाज करने वाला हो या वो कारोबारी हो। और इस वायरस को आप हम या कहें कि आप जब शुरुआत करेंगे तो इसको हरा सकते हैं, और आप अकेले ये काम कर सकते हैं। न केवल आप इस वायरस को हरा सकते हैं बल्कि पूरी इकोनॉमी का जो पहिया थमसा गया है उसको भी आप ही हैं जो रफ्तार दे सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों? कोरोना वॉरियर्स नहीं बन सकते, ना बनिए, लेकिन कोरोना कैरियर्स ना बनिए। घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और जो जो एडवाइजरी समय समय पर स्वास्थ्य विभाग सरकारें दे रही हैं उसका पालन करिए। अगर आप कोरोना को हराएंगे, आप कोरोना को अगर घर नहीं लाएंगे तो कोरोना आपके घर नहीं आएगा। और जितनी जल्दी आप खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को सुरक्षित रखेंगे, उतनी जल्दी कोरोना दूर जाएगा। और जैसे ही कोरोना आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा, आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौटेंगी, आपके बच्चे फिर से खुले आसमान के नीचे खेलेंगे, कूदेंगे, चहचहाएंगे, आपके घर के बुजुर्ग जो कि घरों में कैद हैं एक अज्ञात भय के कारण, वो बाहर निकलेंगे, उनके रूटीन शुरू होगा, आस पड़ोस आपका गुलजार होगा। जब ये सब होगा तो गली मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, गली मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी तो पास पड़ोस के माल खुलेंगे, पास पड़ोस के माल खुलेंगे तो कल कारखाने खुलेंगे, जब कल कारखाने खुलेंगे उसकी चिमनियों से जब धुआं निकलेगा तो इस इकोनॉमी में एक जान आएगी। और जो एक भय से आप ग्रसित हैं, हो सकता आप में हम में से कईयों की नौकरी चली गई हो, कईयों के साथ वेतन कटौती का संकट हो, कईयों का काम का चौपट हो गया हो, तो ये सब आप कर सकते हैं और सिर्फ आप कर सकते हैं। बस इतना कीजिए कि कोरोना से बचकर रहिए, उसको फटकने ना दीजिए, उसको घर से बाहर रखिए। ऐसा आप कर पाए तो उस दिन कोरोना न केवल आपके घर से, आपके गली मोहल्ले से, आपके शहर से या कहीं इस दुनिया से दूर चला जाएगा, और फिर आपके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।